सभी लोग आज अदानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही, वो रोक दिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साह सरकार कर रही है, और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साह दे रहे हैं जिसकी संपत्ति बहुत ही कम थी, आज वो 13 लाख की संपत्ति हो गई। कैसा हुआ, हाउ इट 13 लाख करोड़, हाउ इट हैपेंड, हु इज रेस्पॉन्सिबल, हु इज गिविंग द मनी, हाउ ही इज अलाउड टू टेक सो मच मनी, ए मैन हु स्टार्टेड हिज करियर with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want there should be an inquiry, and inquiry should be held, and what is the relation between Prime Minister and Adani ji, and wherever he goes he takes him, wherever he goes this man goes early. So these are all things, and we have given in writing earlier also, today also we want to make our point before ED. Therefore we all MPs belonging to all political parties, nearly 17-18 parties, we are here, and we want that how the Adani made money, lakhs of crores of rupees within 2.5 years. अगर आप लोगों को रोक दिया गया, जाने नहीं दे बोला हूँ पहले हिंदी में, देखिए ये तो रोक लिए हैं, लेकिन हमारा आप देख भी रहे हो तो हम हैं 200 लोग, जब यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, और हम हमारे और बात को बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की, और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है और उनको दबाया जाता है। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं, और किसी को हम हार्म भी नहीं कर रहे, बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे, और जो रिपोर्ट उनके बारे में इंटरनेशनल इसमें आया है रिपोर्ट्स में वो भी खुलासा हो जाए, इसके लिए हमारी एक कोशिश है। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है, क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होके खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अडानी पर चर्चा ना हो, अडानी पर आक्षेप ना लगे, अडानी की काली कारतूतों पर बातें ना हो, उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े सदन में, इसलिए सदन की कार्यवाही रोकने का काम आज सत्ता पक्ष के मंत्री, सदन के नेता खुद खड़े होकर कर रहे हैं। नारेबाजी अब सत्ता पक्ष कर रहा है सदन में कि सदन ना चल पाए, और ये लोकतंत्र को क्षीण करना होता है। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि एक विश्व है वो अमेरिका और चीन दो दिशाओं में खींच रहे हैं, भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है, और हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा वैश्विक लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या होगी, इससे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी और दूसरा कौन हो सकता है, और वो भी विदेशी जमीन पर जाकर ये कहना। संसद का अधिवेशन फिर से शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक
लगातार सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके मंत्री और तमाम सांसदों ने संसद की कार्रवाई रोकने की हर कोशिश शुरू कर दी है। हम चाहते हैं विपक्ष की ओर से देश के सामने जो विभिन्न सवाल है, चाहे वो बेरोजगारी का प्रश्न हो, किसानों से संबंधित प्रश्न हो, समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित प्रश्न हो, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल हो, या अडानी को लेकर जेपीसी की मांग हो, ये तमाम मुद्दे हम संसद में उठाना चाहते हैं ताकि चर्चा करके कोई उससे समाधान निकल सके। लेकिन ये विषयों पर सरकार नहीं चाहती है कि सदन में चर्चा हो, सदन में बोलने नहीं देते, बाहर आकर हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, हमें यहाँ पर भी रोकने की कोशिश हो रही है। आप यहाँ देख सकते हो हजारों पुलिस के लोग यहाँ पर खड़े कर दिए हैं ताकि हम आगे नहीं चल पाएंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से तमाम वो कोशिशें सरकार की ओर से जो चलते रहेगी लोकतंत्र को इस तरह से रोकने की, मैं ये समझता हूँ कि हम उसका पूरा डटकर मुकाबला करते रहे। आज आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार अडानी ग्रुप को बचा रही है, अडानी ग्रुप को जेपीसी से बचा रही है। आज दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि विरोधी दल ईडी के दफ्तर पे ना जा पाए, अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग ना कर पाए। आज दिल्ली पुलिस को भी अडानी ग्रुप के बचाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेज दिया है। आज ये सिर्फ एक राष्ट्र सुरक्षा का मामला हो गया है, क्योंकि अडानी जिन क्षेत्रों में उनको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उन कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीन का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई विदेशी ताकत जुड़ा हुआ है, तो ये राष्ट्र सुरक्षा के हित में हम अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल करके अपने दोस्त अडानी जी को बचा रहे हैं। एक एक पार्टी का एक एक सदस्य को कम से कम डेलीगेशन के रूप में भेजे, वो भी ईडी मानी नहीं, तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। लेकिन एक एक करके हम लोग पार्लियामेंट से अलग अलग पार्टी के सदस्य फिर जाके ईडी में कंप्लेंट करेंगे। ईडी में कंप्लेंट नहीं करने देंगे, हमारा कंप्लेंट नहीं लेंगे, तो पार्लियामेंट के अंदर भी उठाएंगे और कंप्लेंट आपको रिलीज करेंगे पार्लियामेंट के, और फिर वहां से हम लोग ईडी को फिर डेलीगेशन जाएगा लीडर्स का। ये अब यहाँ से वापस हम पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट में फिर दोपहर में ये बात को उठाएंगे। बात दोपहर में उठाने के बाद में हमारा डेलीगेशन जो 17-18 पार्टीज का जो डेलीगेशन है, एक एक लीडर एक एक पार्टी का ईडी को जाके मिलेगा। यहाँ से पुलिस बहुत कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट की, पुलिस भी हमारे तरफ से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो 4-5 लोग को भी मिलने के लिए रेडी नहीं थे। तो हम बाद में एक एक करके जाएंगे, अपना कंप्लेंट वहां देंगे। कंप्लेंट वो नहीं लेंगे तो ईडी एक्सपोज हो जाएगी, फिर हम लोग वो कंप्लेंट आपको रिलीज करेंगे और फिर दोनों सदनों में उसके ऊपर हंगामा होता है। सभी सांसदों को, 18 दलों के सांसदों को आज मार्च करने पे मजबूर होना पड़ा। हम देश की सरकार तक और देश की आवाम तक आवाज़ उठाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमें लाखों निवेशकों के पैसे डूब गए देश में। LIC के 44,000 करोड़, SBI के हजारों करोड़, और निवेशकों के 10 लाख करोड़ से ज़्यादा जिन्होंने अदानी समूह में इन्वेस्टमेंट किया था। और उसका कारण ये बताया गया कि एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें ये स्पष्ट कहा गया कि भारत की तमाम प्रदेश और देश की भाजपा सरकारों द्वारा इस पर्टिकुलर औद्योगिक समूह को, इनको रियायतें दी गई, सहूलियतें दी गई, और एक भ्रष्ट तरीके से उनको फ़ायदा पहुँचाया गया। इसको लेकर संपूर्ण विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इसकी जांच हो ताकि तह तक पहुंचा जा सके, इसमें क्या हम गलत हैं। लेकिन ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो हमारी मांग है, देश में पनपते भ्रष्टाचार के संबंधित हमारी मांग है, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राहुल जी की स्पीच का मुद्दा बनाया गया, जबकि कोई उस स्पीच में इस प्रकार की कोई बात थी नहीं। ये सरकार का आज के दिन अलोकतांत्रिक रवैया है। इसको लेकर संपूर्ण विपक्ष, 18 दल, सभी सांसद आज यहाँ पर हम देश की जनता के सामने गुहार कर रहे हैं। विपक्ष के सैकड़ों सांसद मिलकर के
ईडी ऑफिस जाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से आज उन्हें रोका गया, मीडिया को रोक दिया गया, ये लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचलने का शर्मनाक प्रयास है। सरकार सदन से भाग रही है, सदन चलने नहीं दे रही है, क्योंकि चलेगा सदन तो मोदी और अडानी के रिश्ते पे बात होगी, SBI और LIC की लूट पर बात होगी, इसलिए सदन नहीं चलने देंगे, सड़क पे उतरने पे सड़क पे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये लोकतंत्र को बुरी तरह से तानाशाही के जरिए कुचला जा रहा है। धारा 144 ला करके सांसदों पे थोप देना, कौन सा सांसद यहाँ पे कोई उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, सब शांतिपूर्ण तरीके से मिलना चाहते थे, मिलने दीजिए, लोकतंत्र का भरम तो बचा रहने दीजिए। क्योंकि LIC और SBI का जो पैसा दिया गया है अडानी को, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है कि क्यों डूबने वाली कंपनी में पैसा गरीब जनता का लगवाया गया। आप लोग गवाह, आप सबके सामने 200 MP हम चल रहे थे, तो नेता विरोधी दल ने ये तक कह दिया कि इसके बाद हम को ले जाओ, 3 आदमी को ले जाओ, तो थोड़ी देर बाद कहते साहब ईडी आपसे नहीं मिलना चाहती। अब नेता विरोधी दल और विरोधी दल के नेताओं से ईडी नहीं मिलना चाहती, इतना अडानी का डर क्यों? जांच हो जाएगी ना, पर्दा खुल जाएगा तो बीजेपी का चेहरा। पार्लियामेंट से ईडी ऑफिस जाने वाले हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। क्या ऑल पार्टी के जो नुमाइंदा पार्लियामेंट मेंबर, राज्यसभा, लोकसभा, सब इकट्ठे होकर ईडी ऑफिस जाना चाहते थे। ईडी को कहना चाहते हैं कि अडानी का जो भ्रष्टाचार है, जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय पत्र कर देश की छवि धूमिल हो रही है, उसके ऊपर ईडी जांच करे, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बने। ना तो सरकार पार्लियामेंट में बात करने देती है, ना ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना रही है, ना ईडी का दफ्तर जाने दे रही है। आप देखिए कितना बल का प्रयोग हो रहा है, तो देश कैसे चलेगा? एक एक सबसे बड़ा संविधान के तहत हम पार्लियामेंट में बात रख सकते हैं, पार्लियामेंट में सरकार को जवाब देना होता है। सरकार दोनों तरफ से भाग रही है, और जितनी इसकी एजेंसियां हैं वो सरकार का तोता बनी हुई है। वो ऑपोजिशन की कोई बात हो ना हो, उसके घर तो चली जाती, सब जगह पहुंच जाती है, लेकिन जहां उसको काम करना चाहिए, अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन एक भी काम वो नहीं कर रही। इवन के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है।